जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन रामलला की झलक पाकर किसी राम भक्त के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू। आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान जो हुए। जैसे ही मंदिर के पर्दे खुले तो मूर्ति की अलौकिक और अद्वितीय चमक देखते ही बन रही थी। श्री राम की आंखों से लेकर उनकी पोशाक और आभूषणों में अलग सी रौनक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामलला की पोशाक और आभूषणों को आध्यात्मिक ग्रंथों के आधार पर तैयार किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आभूषणों को लखनऊ में तैयार किया गया था, जबकि परिधान का निर्माण दिल्ली के कपड़ा डिजाइनर मनीष त्रिपाठी द्वारा किया गया था। प्रभु श्री राम का भव्य निवास आध्यात्मिकता और परंपरा की दृष्टि से चमक रहा है। इन दिव्य आभूषणों का निर्माण विस्तृत शोध और विवरण के बाद किया गया था। आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में प्रभु श्री राम की शास्त्र सम्मत महिमा का वर्णन है। रामलला विराजमान को बनारसी परिधान से सुसज्जित किया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पटका अंगवस्त्र है। यह अंगवस्त्रम शुद्ध सोने की जरी और धागों से सुशोभित है, जिनमें शुभ वैष्णव प्रतीक शंख, पद्म, चक्र और मयूर शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।